Hello students, so we are going to study today our next lesson, Autobiography of a Great Indian Bustard. Okay, now what is the meaning of autobiography? Autobiography is a self-written life story. यानी कि ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं कि खुद की आत्मकथा, यानी कि खुद की लाइफ स्टोरी खुद ही लिखना, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस्टर्ड जो हमारा बर्ड है, आपको मालूम ही होगा बस्टर्ड कौन है, ठीक है? तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की लाइफ स्टोरी है जो बर्ड ही सुना रहा है, ठीक है? ये ऑटोबायोग्राफी है। सो लेट्स स्टार्ट। विच इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा उड़ने वाला या सबसे ज्यादा उड़ान भरने वाला, ऊंची उड़ान भरने वाला परिंदा या बर्ड कौन सा है? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी। अब जो ये ग्रेट इंडियन, हमने क्या कहा कि आपको ये ऑटोबायोग्राफी है, यहाँ पर अपनी स्टोरी अपन खुद बोलते हैं, है ना? तो उसी तरह जो बस्टर्ड है वो स्टोरी खुद बोल रहा है, इसलिए वो क्या बोल रहा है कि वेल इट्स मी, यानी कि मैं हूँ। यानी कि ये कौन है? ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट उड़ने वाला बर्ड है। कौन? बस्टर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्या कह रहा है कि मुझे बहुत फख्र महसूस होता है जब लोग मुझे क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। I have more than 30 different names in various Indian languages. जैसे कि आप जानते होंगे कि इंडिया में बहुत सारे languages बोले जाते हैं। More than, अब ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि I have more than 30 different names. मेरे कितने names हैं? 30 names से भी ज़्यादा names हैं in various Indian languages. जिस तरह हमारी language change हो जाती है, वो bird का name भी change हो जाता है. और इस वर्ड को इंग्लिश में बस्टर्ड कहते हैं, ठीक है? इन मराठी आई एम नोन एज द मालदो और हूँ। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे मराठी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? मालदो कहते हैं, और क्या कहते हैं? हूँ कहते हैं, ठीक है? आई कैन वे अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट। क्या कह रहा है वो कि उसका जो वजन है वो कितना है? 18 किलो and can stand up to 4 feet in height. और कितना उसकी हाइट जो है, जब वो स्टैंड होता है, जब वो खड़े रहता है, तो उसकी हाइट कितनी होती है? 4 feet होती है। reaching up to your shoulders और even higher. अब क्या कहता है कि मेरी हाइट कितनी हो जाती है? आपके शोल्डर्स की जितनी होती है, या कभी कभी आपसे शोल्डर से और ज्यादा भी होती है। ओके, आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, brown wings, tall yellow legs and a black cap on my head. अब वो अपना बता रहा है कि वो दिखने में कैसा है, ठीक है? I have got a long white neck. उसके पास जो neck है, उसकी गर्दन है, वो कैसी है? पहले तो लंबी है, और उसका color कौन सा है? White color है. brown wings, जो उसके wings है, जो उसके पर है, वो कौन से color के है? brown color के है. tall yellow legs, जो उसके पैर है, लेग्स है, वो कैसे हैं? लंबे हैं, और उनका कलर येलोइश है. एंड अ ब्लैक कैप ऑन माय हेड, और जो उसका सर है, उसके ऊपर एक हेड है, उसके सर के ऊपर एक कैप है जो कि ब्लैक कलर की है. यहाँ पर आप आपके बुक में, पिक्चर में देख सकते हैं. हियर यू कैन सी The Great Indian Bustard. It looks like this. Okay. My wife, Mrs. Bustard, is smaller and slimmer than I am, and her neck is not white. अब वो अपनी तो बात कर ही रहा है, लेकिन उसकी वाइफ के बारे में भी बात कर रहा है. क्या कहता है? Mrs. Bustard is smaller. जो Mrs. Bustard है, वो कैसी है? Smaller. छोटी, इतनी बड़ी नहीं होती है. एंड स्लिमर देन, और कैसी है? स्लिमर है, मुझसे भी ज्यादा स्लिमर. स्लिमर यानी कि
यहाँ पर देखिए स्लिमर थिनर, लेकिन थिनर जो लोग रहते हैं वो बदसूरत नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्लिमर है वो एक अट्रैक्टिव वे में है। जितनी पतली सी नाजुक से वो दिखती है उतनी ज्यादा वो खूबसूरत नजर आती है, ठीक है। तो जो उसकी वाइफ है वो स्मॉलर भी है स्लिमर भी है देन आई एम, यानी मुझसे भी ज्यादा, एंड हर नेक इज नॉट वाइट, और जो उसकी नेक है वो भी वाइट नहीं है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, लेकिन वो क्या कहता है कि मैंने सुना है कि जो ह्यूमन से जो इंसान है वो हमको क्या कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा खूबसूरत और इम्प्रेसिव नजर आते हैं, ऐसा ह्यूमन कहते हैं। द सेकेंड पैराग्राफ, आई लिव ऑन ग्रास लैंड एंड डेजर्ट अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड इंक्लूडिंग चिंकारा ब्लैकबर्ग एंड लार्क। वो कहाँ पर, ग्रास लैंड यानी घास के मैदान, वो कहाँ पर रहते हैं, घास के मैदान में रहते हैं, रेगिस्तान वाले इलाके में रहते हैं। किन के साथ रहते हैं वो अपने फ्रेंड्स के नाम बता रहा है, चिंकारा ब्लैकबर्ग एंड लार्क, ये तीन उसके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ द ग्रेट इंडियन बजर्ड रहता है। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नेक्स लीजर्स स्मॉल फ्रूट एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट्स। अब वो अपना फूड यहाँ पर बता रहा है कि वो क्या खाता है। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नेक्स, यानी कि मैं हर चीज़ खाता हूँ। अब उसके खाने में क्या क्या शामिल है, सबसे पहले तो स्नेक्स है, सांप खाता है वो, लीजर्ड है, सिप्लग जिसको बोलते हैं वो खाता है वो, स्मॉल फ्रूट्स छोटे छोटे जो फ्रूट्स होते हैं वो भी खाता है, एंड बेरीज जो रेड कलर की बेरीज होती है वो भी खाता है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट, और कोई भी इंसेक्ट हो वो खाता है। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, और इन सब चीज़ों को खाने का वो क्या बोल रहा है, वो ये सब चीज़ें जो मैं खाता हूँ ये मेरी एक हेल्दी हैबिट है, अच्छी हैबिट है। बट ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। ग्रास हॉपर्स आपने देखा है, नागतोड़ा जिसको बोलते हैं जो ग्रीन कलर का होता है वो, और बीटल्स यानी भंवरा आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा उसको जो दो चीज़ें पसंद है वो है ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स, ठीक है। ना थर्ड पैराग्राफ, व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग वी ऑल गैदर एट आर फेवरेट ग्रास लैंड वेयर देर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस। अब वो क्या कहता है कि जब कभी भी बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, हम सब एक जगह आ जाते हैं, यानी कि उसके फ्रेंड्स उसके वाइफ उसके चिक्स में उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो, और वो खुद हम सब एक जगह आ जाते हैं। कहाँ पर आते हैं, ग्रास लैंड में, घास के मैदान में आ जाते हैं, जहाँ पर कोई लोग ना हो हमको डिस्टर्ब या परेशान करने के लिए। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच्ड बिलो माय नेक। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस, वो कैसा डांस करता है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा डांस करता है। कब, बारिश में, रेन में, कहाँ पर, ग्रासलैंड में, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स वाइफ चीक्स के साथ, ठीक है। बाय गल्पिंग एयर, अब यहाँ पर देखिए गल्पिंग सॉलिड क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी जब हम निगलते हैं तो उसको बोलते हैं, एंड पाउच अ सॉर्ट ऑफ बैग, एक छोटी सी थैली जिसको बोलेंगे वो। तो वो क्या कहता है, आई परफॉर्म वंडरफुल डांस बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच बिलो माई नेक। किसके जरिए वो डांस करता है, उसके जो गल्पिंग एयर है उसके जरिए, और उसकी जो गला है या माउथ कहते हैं तो उसके नीचे एक छोटा सा पाउच होता है, अ सॉर्ट ऑफ बैग होता है, उसके जरिए वो डांस करता है, ठीक है। दिस पाउच हेल्प मी टू प्रोड्यूस अ रिसोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस बाय द कार। और जो पाउच है जो अ सॉर्ट ऑफ बैग है मेरे गर्दन पर या थोड़ी माउथ के नीचे, तो वो हमको एक रिसोनेटिंग यानी क्लियर और लाउड जो साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करती है। और वो साउंड किसकी जैसी होती है, किसकी सिमिलर होती है, बिल्कुल काऊ की तरह, गाय की तरह, जिस तरह गाय कहती है हूँ, बिल्कुल उसी तरह साउंड प्रोड्यूस करता है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड डांसिंग, यानी डांस करते वक्त, ठीक है। आई डांस एंड एंजॉय विद पफ्ड आउट फेदर एंड कॉक्ड अप टेल एंड ड्रॉप डाउन विंग्स।
क्या कहता है, आई डांस इन जॉय विथ पफ्ड आउट फेदर। जो फेदर्स होते हैं ना, कभी कभी कुछ वजह से उनके फेदर थोड़े थोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं जो निकले हुए फेदर्स है ना, उनके साथ वो डांस करता है, कॉक्ड अप टेल एंड ड्रॉप डाउन विंग्स। और जो फेदर्स निकल जाते हैं उनको वो नीचे गिरा देता है, ड्रॉप डाउन यानी कि नीचे गिरा देना। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोल मेट, यानी कि जो डांस वो करता है तो वो उसकी सोल मेट यानी कि उसकी वाइफ को इम्प्रेस करने में मदद करता है, यानी कि वो इतना अच्छा डांस करता है कि उसकी जो वाइफ है वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। ऐसा कौन कहता है, द ग्रेट इंडियन बस्टर। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 6। You know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. अब वो क्या कहता है, आपसे मुखातिब होकर कहता है वो कि you know that, कि आप जानते हैं we birds lay eggs, हम जो birds होते हैं हम क्या देते हैं, अंडे देते हैं, and our young ones hatch out of eggs, और जो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, egg से निकलते हैं। Mother GIB lays just one egg directly on the ground. GIB means here the writer uses short form of Great Indian Bustard. ठीक है, GIB में confuse नहीं होना है, GIB means Great Indian Bustard, short form यहाँ पर use किया गया है। Mother GIB lays just one egg directly on the ground. और वो क्या कहता है, जो mother होती है वो directly ground पर अंडे देती है। We don't believe in building nest. ये बर्ड्स तो होते हैं लेकिन ये नेस्ट बनाते हैं क्या, जिस तरह अदर बर्ड नेस्ट बनाती है ट्रीज पर, ये बेस्ट ये नेस्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि ये डायरेक्ट ग्राउंड पर, फ्लोर पर या जमीन पर अंडे देते हैं। बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आर एग्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। Predators means animal that kills others animal, यानी कि ऐसे animals जो दूसरे animals को मार देते हैं। So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं Buster, but we have a special trick to protect our eggs from predators। Like हमारे पास, हम ground पर तो अंडे देते हैं, हमारे पास कोई nest नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक special trick होती है जिसके जरिए हम eggs को बचा सकते हैं predators से। ठीक है, द एग लुक्स लाइक अ स्टोन, जो उनका एग होता है वो किस तरह दिखता है, बिल्कुल स्टोन की तरह नजर आता है। मॉनिटर लिजार्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर माय एनिमीज ऑफ माय एग एंड चिक। अब वो क्या कहता है, सिपलर, लोमड़ी, कुत्ते और पिग और जो सांप और ईगल्स जो है वो सारे हमारे एनिमीज होते हैं, ये हमारे दुश्मन होते हैं इनके बच्चों के और इनके अंडों के, यानी कि वो अगर अंडे देते हैं या उससे बच्चे बाहर आते हैं तो ये जो सारे एनिमल्स हैं उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं और खा देते हैं। तो वो क्या कह रहा है, ये सारे एनिमल्स हमारे एनिमीज हैं। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम, लेकिन वो क्या कहता है, इतने सारे एनिमीज होने के बावजूद भी जो मेरी वाइफ है, जो मिसेस बस्टर्ड है, वो एग्स को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती है। बाय द टाइम आर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग, रेन अराइव, यानी कि जब हमारे बच्चे एग्स से बच्चे निकलने का वक्त हो जाता है, तो जब बारिश आती है, यानी कि बारिश के सीजन की बस कुछ ही दिन पहले कह सकते हैं कि इनके बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं अंडों से। देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रास वार्मिंग विद इंसेक्ट्स, फ्रेश फूड फॉर माय फैमिली। ग्राउंड पर कहता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत सारे ग्रास होती है, पूरा हरा भरा मैदान नजर आता है, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स, कहते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं, फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली, इसकी फैमिली के लिए बहुत ताज़ा ताज़ा खाना होता है। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली वन ईयर। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे, यानी कि
जो दूसरी बर्ड्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अगर थोड़े थोड़े ग्रो हो जाते हैं या फिर उनको उड़ना आ जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के पास से, अपनी मदर बर्ड के पास से उड़कर चले जाते हैं, लेकिन फ्रॉम द नेस्ट, उनके नेस्ट से चले जाते हैं, बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली वन ईयर। लेकिन जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मिसेस बस्टर्ड है, और उसका जो छोटा सा बच्चा होता है वो तकरीबन एक साल तक एक साथ रहते हैं। उसका बच्चा छोड़कर जाता है, उड़ता है क्या? नहीं उड़ता। द चिक लर्न्स मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर। और जो छोटा सा बच्चा होता है वो इस एक साल के दौरान वो बहुत सारी अच्छी हैबिट्स अपनी मम्मी से सीखता है, जैसे कि शिकार करना सीख सकता है, खाना कैसे लाना सीख सकता है, अपने आप को दूसरों से, एनिमल्स से प्रोटेक्शन कैसे हासिल करनी ये सीखता है, ठीक है। ये सारी जो हैबिट्स है वो इस एक साल में वो छोटा सा चिक सीख लेता है अपनी मम्मी से। यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आर्स डॉक्टर सलीम अली। अब वो क्या कहता है, यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड, यानी कि आपने सुना ही होगा हमारा बहुत अच्छा दोस्त डॉक्टर सलीम अली। उनका नाम क्या है? डॉक्टर सलीम अली। अब यहाँ पर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आपको एक बात मैं बताती हूँ कि डॉक्टर सलीम अली कौन थे। डॉक्टर सलीम अली ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि जूलॉजिस्ट भी कहते हैं, जिनको बर्ड्स की पूरी तरह नॉलेज होती है, जिन्होंने बर्ड्स पर स्टडी की होती है, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी कि ये इंडिया का एक बर्ड मैन था। ये इंडिया के पहले इंसान थे जिन्होंने परिंदों के बारे में सर्वे किया था। ये इंडिया के ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने पूरी तरह से सर्वे किया था, किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में। और इसीलिए इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो यहाँ पर इनका जिक्र हो रहा है, कौन कर रहा है इनका जिक्र, इनके बारे में कौन बोल रहा है? बस्टर्ड बोल रहा है, ठीक है। ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। और वो क्या कहता है कि यही वो इंसान है जिसने ये सजेशन दिया था कि बस्टर्ड को नेशनल बर्ड का स्टेटस मिलना चाहिए, यही वो इंसान था। बट द ऑनर वेंट टू आवर ब्यूटिफुल रिलेटिव द पिकॉक। लेकिन ये जो ऑनर था स्टेटस मिलने का नेशनल बर्ड का, ये किसको चला गया? हमारा जो रिलेटिव है, हमारा जो बाजू में हमारे रिलेटिव जो रहते हैं या फिर उनका जो एक फ्रेंड कह सकते हैं हम, जो पिकॉक है उसको चला गया है ना। हम आजकल या फिर हम हमारे नेशनल बर्ड किसको मानते हैं? पिकॉक को मानते हैं। लेकिन जो डॉक्टर सलीम अली थे उन्होंने क्या कहा था या क्या सजेस्ट किया था कि स्टेटस किसको मिलना चाहिए? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मिलना चाहिए। कौन सा स्टेटस? नेशनल बर्ड कहलवाने का, ठीक है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो पिकॉक है वो बहुत ज्यादा, या उसकी जो क्वालिटीज है वो और ज्यादा अच्छी हो बस्टर्ड से, इसलिए पिकॉक को स्टेटस दिया गया नेशनल बर्ड का। लेकिन देखिए आगे जो हमारा बस्टर्ड है वो क्या कहता है। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। वो कहता है कि मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मुझे एक स्टेटस कह लेंगे हम यहाँ पर कि स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान कहा जाता है। मुझे एक स्टेटस यहाँ पर छोटा सा मिल गया है कि मैं राजस्थान का एक स्टेट बर्ड हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो बर्ड है ये राजस्थान में ज्यादा दिखाई देता है या राजस्थान में हमको दिखाई देता है। वी हैव गॉट 10 centuries फॉर आर प्रोटेक्शन बट सैडली। यानी कि यहाँ पर ये कहता है कि हमको भारत में 10 centuries मिले हुए, हमको 10 centuries मिले हुए, हमको सेफ जोन्स मिले हुए जहाँ पर हम रहते हैं, लेकिन बट सैडली, लेकिन अफसोस आर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन। लेकिन जो हमारा नंबर है यानी कि हम हमारी जो तादाद है वो बस कंटिन्यूसली नीचे 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 ही जा रही है, हमारी तादाद कम होते जा रही है। वी यूज टू लीव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम इंडिया के हर पार्ट में, हर इंडिया की हर जगह में रहा करते थे। वी यूज टू लीव
ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के हर जगह में, बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आर होम रीजन्स। लेकिन वो अब अफसोस नाक ये कहता है कि बट द स्लोली द ग्रोइंग जन पॉपुलेशन ऑफ मैन, यानी कि लोगों की बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई तादाद या बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है, पुश्ड अस अवे, हमको उन लोगों ने बिल्कुल पुश्ड कर दिया है, ढकेल दिया है या बाहर निकाल दिया है, ऐसे कह सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आर होम रीजन्स, यानी कि जहाँ पर हम रहा करते थे वहाँ से बिल्कुल हमको निकाल दिया है। और कितना निकाला है? बिल्कुल 90%, यानी कि आधे से कहीं ज़्यादा, बिल्कुल थोड़ी सी जगह अब रह चुकी है वहाँ पर जहाँ पर ये बर्ड्स अब रहा करते हैं। हमारी पॉपुलेशन की वजह से हमने इन पर ये जुल्म किया है कि हमने इनको इन्हीं की जगह से हकाल दिया, निकाल दिया, ठीक है। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन, हमको डर लगता है हंटर से, हमको डर लगता है शिकारी से, दैट किल अस फॉर फन। क्या कहता है वो? बड़ी अफसोसनाक चीज़ है ये कि, और बहुत बुरा लग रहा है ये सुनकर एक बर्ड से कि वो कहता है कि हमको सिर्फ मजे के लिए मार दिया जाता है ना। ऐसे कई लोग हैं जो शिकारी, शिकार करना बहुत पसंद करते हैं, उनको हंटिंग उनका एक आर्ट, कला या पैशन हो जाता है, और उनको बस जो बर्ड या जो एनिमल दिखता है बस वो उसको शूट करते हैं, उसको हंट करते हैं, उसको शिकार बना देते हैं। तो वो क्या कहता है? वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स, हमको बहुत डर लगता है हंटर्स से, शिकारियों से, दैट किल अस फॉर फन, जो सिर्फ हमको अपने मजे के लिए मार देते हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल्ड फ्लाइंग। और वो दूसरी वजह अपने मौत की, अपने कम होने की क्या कहता है? वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स, जो हमारे पावर लाइन्स हैं, जो बिजली की जो लाइन्स हैं हमारे घर के बाहर जो होती है, उनकी वजह से भी हम मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि जब वो उड़ते हैं, जब वो उड़ान भरते हैं, तो उनको वो नज़र नहीं आती, और अचानक से या एब्रप्टली वो क्या करते हैं, वो पावर लाइन से जाकर टकरा जाते हैं, और जैसे ही टकराते हैं उनको शॉक लगता है, वो मर जाते हैं। वी आर लूजिंग आर होम्स, क्या कह रहा है वो कि हम हमारे घर खो रहे हैं। वी आर लूजिंग आर होम्स, हमको अब रहने के लिए घर नहीं बचे हैं। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, क्या कह रहा है वो? टुडे, आज के दिन, प्रेजेंट कंडीशन में ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस, सिर्फ 200 लेफ्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये कितने बचे हैं? सिर्फ 200 बचे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। यहाँ पर इंडिया की नहीं बात हो रही, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कैन यू हेल्प अस प्लीज। अब क्या कह रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे यानी कि उनकी जो बर्ड्स की जो फैमिली है उनको हमारी ज़रूरत है, एंड हम उनको क्या चाहिए, हमसे प्यार, मोहब्बत, क्लोज चाहिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीने के लिए, कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें भी मिलती है कि हम उनको उनके किस तरह से मदद कर सकते हैं, कि जैसा उसने कहा कि हम हमारे फन के लिए, मजे के लिए उनको मार देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो पावर लाइन्स है उसको जितना हम कम कर सकते हैं, या वो पावर लाइन के ऊपर हमें ऐसी चीज़ें या ऐसे मटेरियल्स यूज करना चाहिए कि जब अगर बर्ड उनसे टकराएगी एब्रप्टली या ना देखते हुए भी, तो उनको हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, हमें ऐसा कुछ उनके लिए करना चाहिए। और जब जो जगह पर बर्ड्स रहते हैं हमें उन्हें वहीं पर रखना चाहिए, ना कि उनको वहाँ से हटाकर हमें अपनी बिल्डिंग्स, हमें अपने गार्डन्स, हमें अपने जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं या जो जो चीज़ें हम बनाते हैं वो नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो उनका घर है एक्चुअल में उनको वहीं पर रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने मिलती है कि हमें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, हमारी यही हरकतों की वजह से, हमारे यही एक्ट्स की वजह से
जो आज ये बर्ड्स कम हो रहे हैं हमारे यही चीजों की वजह से, तो हमें ये चीजें हरगिज नहीं करनी है, ठीक है। वो हमसे मदद मांग रहे हैं कि प्लीज हेल्प अस, यानी हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नाउ लास्ट पैराग्राफ, यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। अब वो यहाँ पर हमें कुछ सजेशन भी दे रहा है कि आप हमारी मदद किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। तो कह रहा है कि यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स, आप अपने लीडर्स को क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, एंड मेक एन अपील, और उनसे एक अपील कर सकते हैं कि हमारी मदद की जाए। किसकी? बर्ड्स की मदद की जाए। अब देखिए जो लीडर्स है, जाहिर बात है कि वही ये जो सेंचुरीज बनाने वाले होते हैं ना, वही ये तय करते हैं कि कहाँ पर बर्ड्स को रखा जाए, कहाँ पर एक पॉपुलेशन क्रिएट की जाए या पॉपुलेशन बढ़ाई जाए, या कहाँ पर बिल्डिंग्स रहेंगे, या कहाँ पर गार्डन्स रहेंगे, कहाँ पर मॉल्स रहेंगे। तो जब हम उनको लेटर लिखेंगे तो वो ये कंसिडर करेंगे कि हाँ बर्ड्स के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो जब हम लेटर लिख कर बर्ड्स की हेल्प कर सकते हैं, हमें लेटर किसको लिखना होगा? हमारे लीडर्स को। यू कैन मेक माई ड्रॉइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर। तुम क्या कर सकते हो, मेरी एक अच्छी सी खूबसूरत सी एक ड्रॉइंग भी बना सकते हो और अपने टीचर को दे सकते हो। यू कैन डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स। और तुम ये जो सारी चीजें हैं किस चीज किसके साथ शेयर कर सकते हो? अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। पेरेंट्स यानी कि मम्मी डैडी और भाई बहन के साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। कम टू सी अस एट अ सेंचुरी, जहाँ पर हम रहते हैं सेंचुरी में, वहां पर आप हमको आकर देख सकते हो। बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि वो कहता है कि बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस, आप सिर्फ अब हमको सेंचुरीज में ही देख सकते हो। अब हमको आप लोकल प्लेसेस में देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। एंड हु नोज, और कौन जानता है, इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ। और कौन जानता है कि इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस, यानी कि आप लोग हम लोग अगर बर्ड्स की हेल्प नहीं करेंगे, नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ, हम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स। और वो कहता है कि जब ऐसा हो जाएगा कि आप हमारी हेल्प नहीं करोगे, हम मरने लग जाएंगे, हमारी जो तादाद है, हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर वो कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? आप इन फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ हमको पिक्चर्स में ही देखने को मिलेंगे, यानी कि हम सिर्फ पिक्चर्स में ही रखे जाएंगे। हमको क्या आप फेस टू फेस देख सकते हैं? नहीं। हमको आप फिर अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हम सेंचुरीज में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक लेसन ये मिलता है कि हमको बर्ड्स को मारना नहीं चाहिए, उनको हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए, उनको भी तकलीफ होती है, उनके पास भी जान होती है, ठीक है। और उनकी जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके, हमारी आने वाली जनरेशन को भी, उन लोगों को देखने को मिले कि हाँ ये भी बर्ड है, ये भी एनिमल है, और वो सिर्फ पिक्चर्स में ही ना रह सके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू।